हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि होने वाला है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। तो शेयर और डिबेंचर में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। दूसरी बात, आप जब भी स्टडी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आइए। आने के बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है आप वहाँ पे आ सकते हैं, या फिर अगर आप होम बटन में भी रहेंगे तो भी आपको दिखेगा इग्नू एम कॉम न्यू, इग्नू एम कॉम ओल्ड, या और नीचे में है इग्नू बी कॉम न्यू। तो आप इग्नू बी कॉम की स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपको इग्नू बी कॉम न्यू पे आना है। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको देख करके सुन करके आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ फिर, जो कि होने वाला है, कितना चला गया ओए, हाँ, जो कि होने वाला है डिफरेंस बिटवीन अ शेयर एंड अ डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर में क्या क्या अंतर होते हैं? तो सबसे पहला जो अंतर यहाँ पे बताया गया है, अ होल्डर ऑफ शेयर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, अ डिवेंचर होल्डर ऑन द अदर हैंड इज अ लेंडर टू द कंपनी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको याद रखना कि जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का मेंबर होता है, कंपनी का ओनर होता है आप बोल सकते हो, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होता है वो एक तरीके से कंपनी का लेंडर होता है, जो कि कंपनी को पैसे देता है और उस कंपनी के बदले उसको पैसे तो वापस मिलते ही है, साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट के रूप में डिविडेंड भी, डिविडेंड नहीं इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, तो ये आई होप कि आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कंपनी का मेंबर बनता है शेयर होल्डर और कंपनी का लेंडर बनता है एक डिवेंचर होल्डर। दूसरा पॉइंट है, अ शेयर होल्डर हैज अ राइट टू वोट, अ डिवेंचर होल्डर डज नॉट एंजॉय सच राइट। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिक्लेयर्स दैट नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर्स कैरिंग वोटर वोटिंग राइट्स, है ना। तो जो दूसरा नंबर पॉइंट पे डिफरेंस है वो ये है कि वोट करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार जो है एक तरीके से वो शेयर होल्डर के पास होता है, लेकिन इस तरह का कोई भी अधिकार जो है डिवेंचर होल्डर के पास नहीं होता है। और अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 71 कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार ये भी बोला गया है कि कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को जब डिवेंचर इशू करती है तो जो डिवेंचर है वो डिवेंचर ऐसा डिवेंचर नहीं होना चाहिए जिसमें वोटिंग राइट्स इंक्लूडेड हो। ठीक है ना, वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास होनी चाहिए और उन्हीं के पास होती है। तीसरा पॉइंट है, इनकम ऑन शेयर्स डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स, शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। इसमें ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान भी है कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर को फायदा तभी होगा, अदरवाइज कोई फायदा उनको नहीं मिलता है। शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी को फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर को प्रॉफिट या फिर जो इंटरेस्ट है वो हमेशा मिलते रहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है या नहीं भी लॉस हो रहा है, हर एक केसेस में लेकिन आपको जो है डिविडेंड मिलते रहते हैं। ये डिवेंचर के केस में होता है, डिवेंचर के केस में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। सो डिवेंचर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच द कंपनी मस्ट पे इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स, चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, आपको दोनों केसेस में अपने डिवेंचर होल्डर्स को पैसे देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। लेकिन शेयर होल्डर्स के केस में ऐसा नहीं होता, शेयर होल्डर्स को पैसे तभी मिलते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होता, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट का डिफरेंस है, शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी पेड बैक, शेयर होल्डर्स को वापस से पे बैक नहीं किया जा सकता है, अंटिल इट्स वाइंडिंग अप, जब तक कि वो कंपनी बंद नहीं हो जाती उनको पे बैक नहीं किया जा सकता। वेयर एज डिवेंचर होल्डर जो होते हैं उनको पे बैक किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के भीतर ही, जब भी एक्सपायरी होती है उसके स्पेसिफिक टाइम के भीतर जो है उनको पे बैक कर दिया जाता है। मतलब सपोज आपने कंपनी में 1000 रुपए लगा करके रखे थे और कंपनी डूब गई, तो कंपनी अगर डूब जाती है तो उस केस में शेयर होल्डर को 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन डिवेंचर होल्डर को किसी भी हालत में पहले पैसे उसके वापस कराए जाएंगे, फिर जाकर के कुछ बचेगा तो उसको दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले पैसे वापस जो होते हैं वो डिवेंचर होल्डर के होते हैं। ठीक है ना, और शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता, बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स रिस्की हैं लेकिन प्रॉफिट भी वही होता है, जहां रिस्क होता है वही गेन होता है, आपने सुना भी होगा। तो चौथा नंबर पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पांचवा नंबर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द शेयर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम पेमेंट अनलेस ऑल द आउटसाइड क्रेडिटर्स हैव बीन पेड इन फुल। ठीक है ना, अगर कंपनी बंद हो जाती है, अगर कंपनी बंद हो रही होती है, अगर वाइंडिंग अप के केस में शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपने पेमेंट को क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि बाहर के जितने भी सारे क्रेडिटर्स हैं, जितने भी डिवेंचर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, जब तक कि उनको पैसे फुल में पेमेंट ना हो जाए। जब सारे लोगों को फुल में पेमेंट हो जाएंगे फिर जो पैसा बचेगा उसमें से कुछ हिस्सा
जो है शेयर होल्डर्स को मिलता है जब पैसा बचता है तो, और अगर नहीं बचता तो शेयर होल्डर्स का कंप्लीट लॉस वहां पे माना जाता है, ठीक है ना। डिवेंचर होल्डर्स नॉर्मली बीइंग सिक्योर्ड लेंडर्स हैव प्रायर क्लेम फॉर रीपेमेंट। और वेयर अगर हम डिवेंचर होल्डर्स की बात करें तो वो एक तरीके से यू नो सिक्योर्ड लेंडर्स होते हैं जिनको पहले सबसे पहले जो है पैसे मिलते हैं। कंपनी जब भी बंद होती है तो सबसे पहले पैसे उन्हीं को मिलते हैं, ठीक है ना, चाहे कंपनी को प्रॉफिट ना भी हो रहा हो, ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर्स के केस में, वाइंडिंग अप के केस में जो है आप पैसे क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि बाकी सारे लोगों को पैसा नहीं मिल जाता। छठा और आखिरी पॉइंट है, डिविडेंड ऑन शेयर्स इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। जो डिविडेंड दिया जाता है शेयर्स के अगेंस्ट में, उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑन द अदर हैंड इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो अगर आप डिविडेंड दे रहे हो शेयर होल्डर्स को, अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो फिर आप उसको प्रॉफिट में चार्ज नहीं करोगे, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो डिवेंचर होल्डर्स को तो उसको आप प्रॉफिट में चार्ज करोगे और आप अपने अकाउंट में उसको दिखाओगे भी, ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को ठीक तरीके से कैलकुलेट कर सको। सो दीज आर द सिक्स पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड अ डिवेंचर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल से, जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना, आई होप कि आपने देखा होगा, समझ भी लिया होगा। किसी भी तरह की डाउट अगर आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की दूर करूंगा, कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।